आदिवासी विकास खंड की कराहल तहसील का एक मामला सामने आया, जिसमें सिलपुरी निवासी जगवीर सिंह ने कराहल तहसीलदार पर आरोप लगाते हुए बताया कि उन्होंने सिलपुरी हल्का में अपनी खाते की भूमि सर्वे नंबर 903 में 34 बीघा 11 बिस्वा का सीमांकन करने के लिए अब से 10 दिन पूर्व आवेदन किया था, मगर आज दिनांक तक तहसीलदार महोदय ने सीमांकन तो दूर की बात है, सीमांकन करने के लिए जो आदेश पटवारी को दिए जाते हैं उस पर साइन तक नहीं किए हैं। हर बार मुझे ये कहकर लौटा दिया जाता है कि कर देंगे, इतनी जल्दी क्या है। फरियादी ने बताया कि उस तहसील कार्यालय में पदस्थ बाबू भी उनके साथ अभद्र व्यवहार करते हैं, उन्हें हर बार ऑफिस से बाहर जाने की बोलते हैं। यहाँ सिर्फ मैं ही नहीं, कई अन्य लोगों को भी इसी तरह चक्कर कटवाए जाते हैं, किसी का कोई काम समय पर नहीं होता। फरियादी ने बताया कि सीमांकन के एवज में पैसे ऐंठने के लिए जानबूझकर उनसे चक्कर कटवाए जा रहे हैं। वह अब इस मामले की शिकायत कलेक्टर से करेंगे। कराहल से संवाददाता अमित कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। जगबीर सिंह, क्या परेशानी? परेशानी मैंने तहसीलदार को है ना, अपने दो फाइल दी, क्या नाम, सीमांकन की, और 10 दिन हो गए मेरा उस पर साइन नहीं कर रहा तहसीलदार सीमांकन के ऊपर, और मैं रोज़ आता हूँ तहसील में, और मेरे को कार्रवाई कर दो, बोला क्या जल्दी है इतनी, और मेरे को परेशान कर रखा है। क्यों किया जा रहा है आपको? वो पैसे लेने के लिए परेशान किया जा रहा है, मेरे को पैसे परेशान करेंगे तो पैसे मिलेंगे, पैसे मैंने देना नहीं चाहता। पटवारी क्या क्या है, पटवारी से मिले आप? पटवारी से मिले हैं। पटवारी क्या कहता है? पटवारी भी यही कहता है, वो करेंगे जब साफ करेंगे जब करेंगे, वो तो ये तो 5 साल लगा देंगे ऐसे तो। मैं बुजुर्ग आदमी हूँ। कितने दिन से आते हैं आप? मैं यहाँ से तो 10 किलोमीटर से आता हूँ, वहाँ सेसनबाड़ी से सिलपुरी से रोज आता हूँ, और गाड़ी में आता हूँ, मोटरसाइकिल में चला नहीं सकता, और मैं 200-300 का मेरा रोज डीजल लग जाता है। तहसीलदार मिले आपको आज भी? आप आए हो? नहीं, आज भी नहीं मिले, कल मिले थे, परसों भी नहीं मिले। कल मिले तो क्या कहा उन्होंने? वही कहे अगर कर देंगे, क्या जल्दी है, मतलब लेट कर रहे हैं आपके काम। हाँ बिल्कुल लेट कर रहे हैं। तो क्या यदि आपका काम नहीं होगा तो आपके कलेक्टर से शिकायत करेंगे? हाँ, कलेक्टर से शिकायत करूँगा। कौन कौन के नाम से लगी है फाइल आपकी? कौन है? जगबीर सिंह के नाम है, एक जितेंद्र के नाम, मेरे लड़के के नाम, एक मेरे घरवाली के नाम है, पतासी देवी। कितने बीघा का सीमांकन होना है? 34 बीघा, 14-20 बीघा सीमांकन होना है। सर्वे नंबर कौन सा है? 903 है, बड़ा नंबर है। तो क्या तहसील में ऐसी लोग, अन्य लोगों को भी ऐसी परेशानी? हाँ, रोज धक्के खाते हैं लोग, डेली आते हैं, कोई काम नहीं करते हैं। जातिगत लोग हैं जो, उनका तो और बुरा हाल है। मैं सीनियर सिटीजन हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, और रोज चक्कर कटवा रहे हैं, बात नहीं करते, बात नहीं करते ना, बात नहीं करते। अपना जो रीडर है तहसीलदार का, वो कहता है बाहर बैठो। ये बताओ ना, ये अपना पब्लिक के लिए तो ये तहसील खुली है, दफ्तर खुला हुआ है, सबको बाहर बैठो, बाहर बैठो। कब तक बैठे और बाहर? शाम तक बैठते हैं बाहर। अच्छा, कोई सुनवाई नहीं? सुनवाई कौन लोगों की होती है यहाँ? सुनवाई तो जो पैसे देगा उनकी सुनवाई हो जाए। हाँ, खराब है बहुत, सबसे भ्रष्ट तहसील है। मैंने पहले भी इंटरव्यू दिया था, सबसे भ्रष्ट तहसील है हिंदुस्तान की कराल। हाँ, और मैंने क्या है, अपना अन्ना हजारे ने जो अपना आंदोलन किया दिल्ली के अंदर, उसमें मैं और मेरी मिसिज भ्रष्टाचार के खिलाफ किया था, मैं और मिसिज दोनों अपना वो क्या देख आए थे, गिरफ्तारी भ्रष्टाचार के खिलाफ जो हुआ जो, और हमें ये परेशान कर रहे हैं। मैं सीनियर सिटीजन हूँ, 71 साल की उम्र होली, बुजुर्ग हूँ, और मेरे को तंग कर रहे हैं।